हेलो स्टूडेंट टुडे वी विल रीड इंग्लिश चैप्टर द नॉटी बॉय नॉटी नॉटी मीन्स शरारती एक शरारती लड़का का बारे में लिखा गया है देर वॉच ए नॉटी बॉय एंड ए नॉटी बॉय वॉच ही रन डेम टू स्कॉटलैंड द पीपुल देर टू सी पहले एक शरारती लड़का था वो इतना शरारत था जो कि एक बार स्कॉटलैंड स्कॉटलैंड भाग गया था देखने के लिए वहाँ का लोगों को देखने के लिए उन्होंने भाग गया था देन ही फोन दैट द ग्राउंड वाज एज हार्ट दैट ए यार्ट वॉच एज लॉन्ग उसने देखा जो वहाँ का जो ग्राउंड है उसने फिर देखा जो वहाँ का जो ग्राउंड है बहुत सख्त है सख्त हार्ड में सख्त जैसे वहाँ का उसका जो जगह है जहाँ पे वो भागा था इंग्लैंड से उसका जगह है भी ठीक है ऐसा है कोई डिफरेंस नहीं है उसका जैसे ही हार्ड है दैट ए यार्ड वॉच एज लॉन्ग और उन यार्ड का मीन सोचा है जो घर का सामने हो कि कुछ जगह का सामने एक फील्ड होता है वहाँ पे घास फॉँस रहता है तो उसको यार्ड बोलते हैं और उसमें वहाँ का यार्ड लंबा था जैसे इंग्लैंड का यार्ड लंबा है सबका घर का सामने लंबा रहता है दाट इज सॉन्ग वाज एज मेरी और वहाँ सॉन्ग जो है गीसंग में गाना गीत और वहाँ का लोग गाना को बहुत खुशी से मेरी मतलब खुशी मज़ा मस्ती करना है बहुत मज़ा मस्ती सॉन्ग गाना को बहुत मज़ा मस्ती बा मग्न हो जाते थे गाना को जैसे इंग्लैंड में होते हैं ठीक है ऐसा ही डाट ए चेरी वाज एज रेड वहाँ का जो चेरी है चेरी मतलब मालूम है और वो चेरी रेड कलर का होता है और इसमें उतना बोला उधर का जो चेरी है ठीक रेड है जैसे इंग्लैंड में दाट लीड वाज एज वाइट ली लीड मुंशी एक धातु होता है सुना वहाँ का जो धातु है ओजन बहुत ओजन था भारी था वाइट मतलब भारी जैसे हमारे वहाँ पे है दाट फोर स्कोर वाज एज एट डट फोर स्कोर फोर स्क्र का मतलब ट्वेंटी को फोर टाइम ऐड करेंगे ट्वेंटी को फोर टाइम ऐड करेंगे तो कितना होता है एट्टी वाज एच एटी वहाँ का जो वहाँ का जो एट्टी है फोर स्कोर मतलब एटी है तो हमारे वहाँ भी एट्टी होता है हमारा उधर एटी का वहाँ पर हमारे फोर स्क्वेर सेम है एक का है दाट ए डोर वाज इज वुडन दाट ए डोर वाज इज वुडन इज इन इंग्लैंड सो ही से बताया जे वहाँ का जो डोर डोर मीची दरवाजा और वुडन मीची लकड़ा वहाँ का जो डोर लकड़ा में ही बन जैसे हमारी उधर का हमारे यहाँ का डोर बना जाता है हमारे यहाँ का डोर उस लड़का इंग्लैंड का था उसने बता रहा है जे हमारे जो हमारे वहाँ का जो डोर है वो भी उडेन का है लकड़ा का होता है और वहाँ का भी डोर सिर्फ उडेन का है लकड़ा का ही बना हुआ है एज इन इंग्लैंड इंग्लैंड जैसे वो सब है सो ही स्टूड इन हीज एंड ही वंडर्ड और ये सब देखने के बाद से क्या किया खड़ा हुआ इन हीज सुस उसका शूज का अंदर खड़ा हुआ मतलब शूज पेन के खड़ा होगा उस का अंदर मतलब शूज पेन के खड़ा हुआ एंड ही वांडर मतलब वो चकित हो गया आश्चर्य हो गया जे उधर का जो जो चीज़ है, जैसा है हमारे वहाँ का जैसे वहाँ का चेरी हमारी ऐसे रेड जैसे, जैसे वहाँ का भी चेरी रेड है जैसे इंग्लैंड में एट्टी होता है तो वहाँ का फोर स्कोर मतलब एट्टी है वहाँ का लीड मतलब जो धातु होता है वो भी इंग्लैंड जैसा वेट मतलब वजनदार है सब एक ही जैसे हैं ही वंडर्ड वो बहुत चकित हो गया और चकित हो गया ही स्टूड इन हिज शूज एंड ही वाणेड अपना शूज का अंदर आ, खड़ा के बस शूज पहन के वो आश्चर्य की देखते रह गया चकित हो के देखते रह गया और ये प्रेम जो लिखा है किसने लिखे है जॉन किट्स जॉन किट्स ने ये पोएम लिखे यहाँ पे कुछ न्यू वर्ड्स दिया है न्यू वर्ड्स नटी नटी में जी शरारती फाउंड फाउंड में से पाना व देखना ग्राउंड ग्राउंड में से जमीन है और मैरी मैरी में से जैसे खुशी मनाना मजा मस्ती करना वो ये चेरी चेरी में से आपको मालूम है चेरी जो हम खाते भी और वेट वेट में से भारी और उडन उडन मीन्स ही लकड़ा ओके तो आपने ये बॉय जो है नोटी बॉय का बारे में आपको सब पता चला कैसा स्टोरी था और पोएम था हा?